मेरी तरफ से भी आप सबको जुमा मुबारक। लाला अभी को को हैं को मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। आपको तो ऐसे जुमा मुबारक। गुड आपको वो दिखाऊं। वाओ बहुत प्यारा मौसम है बाहर। उस तरफ चलो, उस वाली तरफ चलो। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मौसम इतना प्यारा है, क्या इतना प्यारा व्यू है इस टाइम। यहाँ पर बिलाल गाड़ी चला रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब जैसे आप सब ये स्मार्ट कर देंगे। लाल बाल नहीं, ओके okay? अब इसमें मैदा डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे, प्याज, अब हम इसमें बंद गोभी और बैंगन ऐड करेंगे। अगर आपने हमारी वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और किस किस को इस मौसम में पकौड़े खाना पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मौसम 11-12 बजे से बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। इसमें हमने सब्ज़ियाँ ऐड कर दी हैं, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, और ये सूखी में सूखा धनिया आप अपने साथ। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मिक्स कर लेना हमने। ठीक है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी आज माशाल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। इस वक्त 2 बज रहे हैं, और सबसे पहले ना आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो जी मौसम माशाल्लाह लाहौर का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है इस टाइम। बादल, ठंडी ठंडी हवा और ख़ूबसूरत मौसम बन रहा है। घर से कंबल मैंने वॉश किया था, तो कपड़े भी कल मैंने वॉश किए थे। तब जो है ना बच्चों ने कहा है कि मैं बनाऊँ, मौसम इतना प्यारा है तो मम्मा हमें बना के दें पकौड़े। तो मैं बच्चों को बना के देने लगी, क्या कहते हैं उसको, सारा पकौड़ा का मिक्सचर जो है वो रेडी करके रख दिया है। मुझे कहते मम्मा आपने ना हमें पकौड़े बना के देने, तो अब मैं बच्चों के लिए पकौड़े बना देती हूँ। उससे पहले मुझे अपने हस्बैंड का सूट इस्त्री करना है, सूट प्रेस करना होगा, तो मैं सबसे पहले वो कर लेती हूँ। तो भी हम जो है इस्त्री लगाते हैं। इस्त्री जो है ना हमारी जब तक गर्म होती है, आती हूँ जी कपड़े, तब तक मैं कपड़े निकाल के ले आती हूँ। मार्केट से लेने गए हमें दूध और दही, कह रहे थे हमें उसके साथ रायता बनाना है, पकौड़ों के साथ रायता बनाना है, इसलिए ना वो लेने चले गए हम दही और दूध। दूध साथ चाय बनाएंगे, तो मैं सबसे पहले कपड़े इस्त्री करके फिर मैं उनके पकौड़ों की तैयारी कर देती हूँ।
और एक बात जो मैं दो दिन से वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर पाई, कुछ नेटवर्क का मसला था और कुछ ना कह लें कि बस घर के भी कुछ बहुत ज़्यादा काम थे तो थक जाती थी, इसलिए ना वीडियो बनाए नहीं। काम भी बहुत ज़्यादा था हमारे घर का, मौसम चेंज हो रहा है ना तो उसी की वजह से ना घर की जो है ना साफ सफाई और जो भी घर का काम होता है ना वो करते करते, मशीन वगैरह कपड़े धोने थे सब कुछ करते करते, मैं साथ साथ ना कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ क्योंकि ना मेरे हस्बैंड काम से आज जल्दी आ जाएंगे, उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो जुम्मा था ना तो जुम्मे वाले दिन अक्सर जल्दी आ जाते होते हैं। और हमारी बैल हुई है ख़राब और मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे बाहर आ गए हैं, मैं जाके ज़रा देख लूँ, तो सच में बच्चे बाहर आ गए हैं, कब से आके खड़े हो? तो यहाँ पर मम्मा पापा के कपड़े प्रेस कर रही हैं क्योंकि पापा आने वाले हैं और पापा ने चेंज करने हैं। यहाँ पर कपड़े प्रेस कर रही हैं, आप ही घी ऊपर रख लिए ताकि मम्मा कपड़े प्रेस करके और पकौड़े बना लें और मैं भी रायता बनाती हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा पकौड़ा, मम्मा ये छोटे पकौड़ों का ना पापा है, है? छोटे पकौड़ा का पापा है, ये छोटे पकौड़ों का पापा है। बिल्लू वाली बात की तुमने, पहले वो कहता था ऐसे कुलोले, अब तो वो पकौड़े कहता है, और उस जब उससे भी छोटा आता था तब कहता था गोडे, हाँ गोदा खाना। मम्मा को उसकी समझ आ रही थी तब क्या मांग है, हम इसको बताते हैं। ये पकौड़ों का पापा तो अभी टाइम लेगा, छोटे छोटे डालते हैं हमेशा। ओके हो गया, हाँ जी पकौड़ों का पापा तैयार हो गया। इसका नाम है आलू का चालू। आलू के चाने के आप खाएंगे? तो मैंने एक पकौड़ा चेक किया है, माशाल्लाह सब कुछ ठीक है फातिमा, थैंक यू, नमक मिर्च सब कुछ ठीक है, रायता। ओ मम्मा नान मंगवा लें थे क्या? कौन सा? वो पापा का, फोन देखना पापा का, मम्मा ने मुझे वैसे वापस मोड़ दे दिया। हाँ नान लियो, नान किस लिए खाने? नान आप पहले थोड़ी देर पहले क्या बता रहे थे? ये है मेरे पापा, जा तो नान लाके ना, नान तो पकौड़ा खाने आते हैं स्टेशन पे, नान तो नान खाने। अच्छा साहिवाल से लो और का सफ़र करते थे पकौड़े खाने के लिए, मैंने बनाए अब पता है, मैं लेकर आती जा, आप नान लेकर आओ, मैं पकौड़े और रायता लेकर आती हूँ। लस्सी तो उनके नाल तकरीबन दही तो लस्सी दी हुंदी होनी है ना, है ना लस्सी चटनी, मैं लस्सी वाली चटनी बनाई, मैं लेके आना। देखिए मैंने पकौड़े बना लिए, उनको पता ही नहीं कि मैंने पकौड़े बना लिया है। ये देखें पकौड़े और रायता, रायता नहीं लस्सी वाली चटनी, सीधे होकर बैठो, चलो वो साथ में नान आ लेने, फिर नान पहले टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं, पहले टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं। बिलाल आप भी मुझे टेस्ट करके बताओ, टेस्टी है? हाँ बंद गोभी, हाँ बंद गोभी थी और प्याज बैंगन, बाकी आलू तो थे ही नहीं, इससे ही बहुत अच्छे बने हैं, कसम से सच में। चल बिलाल आपको पसंद आए? दोनों खा रहे हैं
और साथ में आएंगे हमारे नान। तो अब आज हमारा यही खाना है, नान पकोड़े। नान पकोड़े साथ में हम चाय बना लेंगे, ठीक है। मौसम भी अच्छा है ना, साथ साथ पकोड़े खा रहे हैं, साथ साथ जो है ना टीवी देख, मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल पे क्या देख रहे हो? अच्छा, बिलाल साथ साथ मोबाइल देख रहे हैं, कार्टून। अच्छे, वालेकुम अस्सलाम। ले आइए ले लाल मिर्चें। नहीं बस अब यही खा लेंगे, उसके बाद हमने खाना कौन सा बनाना है। चलो ये देखे नान भी आ गए, ऐसे मिलते थे ना शॉपर में, हो ना। अब नान कैसे कैसे खाते थे, खा के दिखाओ। ऐसे खाते थे नान पकौड़े बेच रहे हैं, कितने पैसे लेने हैं आपने? अच्छा ते किन्ने किन्ने दे के नान है? थैंक यू। हूँ तो लिहाज नाल दस दियो। बिलाल आप खा लो नान। अच्छा ये देखो आपके पापा नान पकौड़े बेच रहे हैं, खा लो आप लोग। खा के दिखाओ आप सही से। कैसे बनाए हैं, बचपन याद आ गया? हाँ बताओ आप, कर लो टेस्ट पापा के बचपन की चीज़ें। वैसे हम भी तो, आप लोगों ने भी तो ट्राई किया ही हुआ है, वो नानों के घर जब जाते थे। ये बिलाल ने इतनी ऊंची आवाज़ में लगाया हुआ है, थोड़ा वॉल्यूम कम करो, देखो ज़रा वॉल्यूम कम नहीं कर। अब जब भी मम्मा गांव जाती है ना, अपना आलू वाला नान या साथ ही खाती है। मम्मा से मंगवाती हैं, पापा से, बहुत मज़ा का। सच में? चलो सही हो गया, प्लेट तो साफ हो गई है। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। ये था मेरे हस्बैंड के बचपन का, नहीं बचपन की यादें ताज़ा हो गई आज है। अब बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। स्टेशन से सही वाला स्टेशन लाने वाले। हाँ स्टेशन से ट्रेन में बैठ के खाते थे। अच्छा मैं बनाने लगी थी भिंडी, धो के मैंने रखी हुई है, लेकिन बच्चों ने पकौड़ों का कह दिया। मैंने पकौड़े बनाए, साथ ही मेरे हस्बैंड भी आ गए, वो कह रहे थे पकौड़े बनाए हम ऐसे ऐसे बचपन में जो है ना खाते थे ट्रेन में जाते हुए, तो इसलिए जो है मैंने फिर घर में फिर वही बना दिया पकौड़े। रायता तो बनाया हुआ था, फिर नान भी साथ मंगवा दिया। तो हमारे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो बताना आपने कमेंट में ज़रूर कि ऐसा खाना कौन कौन बचपन में इंजॉय करता था, वो भी ट्रेन के सफ़र करते हुए। ठीक हो गया तो जी, ये आज मैं इनके बचपन की जो है हमारे बचपन की भी याद ताज़ा हो गई है। तो चले आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं जी एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।